हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इन्जॉयमेंट विद स्टडीज कैसे हो सभी विद फ्रेश विद्रेश्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेडिटेशन के फायदे देखिए अपनी रोज भरी जिंदगी से डेली रूटीन से अपन परेशान हो जाते हैं एक ही एक चीज सोच कर एक ही नहीं मतलब कितने सारे टेंशन होती है अपनी लाइफ में कभी कोई काम पेंडिंग रह गया कभी कुछ हो गया तो उसमें रुकावट आ गई करके अपने जो टेंशन है ना उनकी लिस्ट बढ़ती ही जाती है बढ़ती ही जाती है तो उस टेंशन में भी तनाव मुक्त रहने का स्ट्रेस फ्री रहने का एक ही रास्ता है वो है मेडिटेशन मेडिटेशन करने से हम अपनी सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं सारी समस्याएं जो है ना वो सब सुलझ जाएगी अब मैं एक एक करके आपको सारे जो फायदे हैं वो बताऊंगी मेडिटेशन के तो ध्यान से सुनना वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए पूरी वीडियो देखना स्किप मत करना तो मेडिटेशन के फायदे ये हैं सबसे पहले तो आपके दिमाग को एकाग्र करना आपकी जो याददाश्त है वो तेज़ हो जाएगी उससे दूसरी बात ये कि आपका जो गुस्सा है वो आपके काबू में हो जाएगा आपके कंट्रोल में हो जाएगा आप लड़ाई झगड़ा बहसबाजी इन सबसे बाहर आ जाओगे अगर आपका दिमाग जो है वो एकाग्र कर लिया आपने तो आपकी यादाश्त तेज़ हो जाएगी गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और दूसरी अगर मतलब आप इन सारी चीज़ को देख लिया आपने कि आप जो है अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रहे हो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं काम डाउन काम डाउन इतना बड़ा तो कोई ही नहीं है कंट्रोल हो जाएगा कर लूंगा मैं कर लूंगा अगर इस तरह की चीजें आप देख रहे हो फिर भी आप मेडिटेशन करते हो तो आपको एक और पॉजिटिव चीज मिल जाएगी जो अपने ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर ही है जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि पिच्यूटरी ग्लैंड जो है अपनी उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर होती है उसे जागृत करना होता है वही देखिए हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब प्रि ग्रंथि है वो एक तो वो ग्रंथी जो है उसके अंदर से हमें सुपर पावर खोलनी है हमारे हम इंसानों के ब्रेन में ही होती है वो मस्तिष्क के बीच में होती है और मैंने ये भी बताया था कि वो मटर के दाने जितनी होती है छोटी सी तो वो जो सुपर पावर्स है वो अपने अंदर ही है वो जागृत हो जाएगी अगर वो जागृत हो रही है तो आप ये और बदलाव देख सकते हैं कि आप सामने वाले का चेहरा देखकर उसकी बात बता सकते हैं कि आप पहली बार किसी इंसान से मिल रहे हो तो उस इंसान का नाम पता घर वाले कौन क्या है सब बता दोगे उसके बारे में ये और एक बदलाव देखने को मिल सकता है अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये जो ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया उसे जागृत करने का सबसे मेन तरीका मेडिटेशन ही है मेडिटेशन करके आप कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हो आपका गुस्सा कंट्रोल में हो जाएगा या तेज हो जाएगी आपकी एक और मेन बात लोग ज्यादा खूबसूरती पर ध्यान देते हैं अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हमारा ग्लो जो है हमारी खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाती है हमेशा झूरिया दिखने लग जाती है चेहरे पर तो उन झूरियों को भी मिटाने का रास्ता मेडिटेशन है अब पूछोगे कि कैसे मेडिटेशन करने से आपकी जो सेल है मतलब देखिए सबसे पहले आप मेडिटेशन करोगे तो क्या होगा आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा दिमाग जब आपका शांत होगा तब क्या होगा ये जो आप की कौशिकाएं निर्माण करने वाली प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी सेल्फ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी ये प्रोसेस शुरू होते ही आपकी जो डेड सेल्स है वो अपने आप दूर होने लग जाएगी निकलने लग जाएगी और आपकी जो नई सेल्स है वो बनने लग जाएगी नई जो कौशिकाएं है वो बनेगी तो आपकी खूबसूरती वापस आ जाएगी तो मेडिटेशन करने से आपकी खूबसूरती बरकरार रह सकती है अब आपने देखा होगा कि कई साधु संत है वो हिमालय पे जाते हैं पर्वतों पर जाकर तप करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं पर एक बात पता है उन्हें सालों सालों गुजर जाते हैं तप करते हुए पर बस एक खासियत उनकी ये देखने को मिलती है कि कितने सालों बाद भी उन्हें देखोगे ना तो उनके चेहरे पे झूरियाँ नहीं नजर आएंगी आपको ये जादू है मेडिटेशन का तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं अनगिनत फायदे हैं इसलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए आप सारी मतलब सोच भी नहीं सकते इस तरह की आपकी जो मस्तिष्क में शक्तियां भरी है ना वो खुलने लग जाएंगी और खुल जाएंगे ना तो चमत्कार अपने आप होंगे तो ये थी मेरी वीडियो और मेडिटेशन से इतने सारे फायदे हो सकते हैं आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपनी ये जो पिच्यूटरी ग्लैंड वाली शक्ति है ना उसे कैसे भी जागृत करने की कोशिश करो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे